देखते रहिए UBN 0@छत्तीसगढ़। जिला बालोद से रमेश चेलक की खबर आ रही है। जिला बालोद 1 दिसंबर से समितियों में धान खरीदी शुरू है। वहीं बाहर का धान हमारे जिले में खपाए जाने की सूचना पर बालोद SDM सिल्ली थॉमस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसने केशकाल फार्म सलीम एंड कंपनी को अवैधानिक धान परिवहन करते हुए वाहन क्रमांक CG 27K 5187 कार्रवाई किया गया, जिससे गुरूर थाने के सुपुर्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज गाड़ी को 36 दिनों के बाद छोड़ा गया। वहीं गाड़ी मालिक के द्वारा SDM व मंडी सचिव के ऊपर लेन देन का मामला प्रकाश में आया है। देखते रहिए UBN 0@, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। खर्चा पानी दे के मतलब उसके बाद ही गाड़ी आपकी छूटेगी, मतलब वही नहीं होगा तो मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। के द्वारा जब्ती करके खड़े कर दिया गया था और मैंने कलेक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किया, मगर उन्होंने गाड़ी छोड़ा नहीं। फिर मैंने हाई कोर्ट का सहारा लिया तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PCM कोशिश सर ने 16/12 को आदेश किया कि गाड़ी तत्काल मंडी अधिनियम से कार्रवाई करके तत्काल गाड़ी इनको सुपुर्द किया जाए माल के सहित। तब से मिला तो तुरंत उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को देख के तुरंत गाड़ी को छोड़ दिए और थाने से मैं गाड़ी अभी ले कर बाहर निकला हूँ 36 दिन के बाद। अब मैं आगे क्षतिपूर्ति का दावा SDM सीवी मैडम के खिलाफ दावा उनके खिलाफ हाई कोर्ट में मैं केस दायर कर रहा हूँ। इतने दिन से जो भी गाड़ी खड़ी थी, जो मेरे को मानसिक प्रताड़ना जो मेरे को हुई, अब जो मेरा धान खराब हुआ है और गाड़ी वाले का कम से कम 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, उसकी किस्त का टैक्स का सभी पैसा वो सब SDM से वसूला जाएगा।